हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू रेसिपी, आलू से झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये बहुत ही क्रिस्पी सी और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना। ये मैंने लिए हैं आलू। आलू को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था और मैंने इनको अच्छी तरह से मैश भी कर लिया था। अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें हरी मिर्च। ये मैंने 3 हरी मिर्च कट करके ऐड की है। और ये ऐड कर रही हूँ मैं 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर क्रश की हुई, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नमक ऐड कर सकते हैं। और अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें थोड़ी सी हींग। हींग से क्या होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने गरम मसाला ऐड किया है। और अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें चाट मसाला, और थोड़ा सा ऐड किया हमने इसमें अमचूर पाउडर, और थोड़ी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें कसूरी मेथी। और अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें हरे धनिया की पत्ती, जो मैंने पहले से ही कट कर ली थी। आज हम बना रहे हैं 5 मिनट में झटपट तैयार होने वाला नाश्ता, जो आप एकदम से 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी सा होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं इन सब मसालों को अच्छे से मैश कर लूँगी। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं सब कुछ। अब हम तैयार करेंगे इसका एक डो। डो बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा ली है। मैदे को मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करके और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बना लेंगे। याद रहे, पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके ही ऐड करना है। उससे क्या होगा, अगर आप एक साथ पानी ऐड कर देंगे तो उससे पतला हो जाएगा और अच्छा सा आटा गूंथ के तैयार नहीं होगा। आटे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इस पर डालेंगे 2 स्पून ऑयल। ऑयल डाल के हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मस लेंगे कुछ देर के लिए। आटे पे ऑयल डालने से क्या होता है, आटा जो है एकदम से चिकना हो जाता है। उससे जब हम इसको बेलेंगे तो ये फटाफटा सा नहीं लगेगा, और जब हम इसके रोल्स बनाएंगे वो एकदम बनकर अच्छे से रेडी होंगे। अब मैंने इसको तेल डालकर अच्छे से मसल कर अब मैं 10 मिनट तक के लिए इसको कवर करके रख दूंगी। दस मिनट हो गए हैं। अब हम देखेंगे हमारा आटा एकदम से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। पहले हम थोड़ी सी सूखी मैदा डाल लेंगे, उससे क्या होगा आटा हमारा नीचे चिपकेगा नहीं है और एकदम बिल जाएगा, इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया था। अब हम इसको चाकू की सहायता से इसे कुछ पीसेज कर लेंगे। अब हम इनको अलग करके इनकी लोई बना लेंगे। मैंने सारे आटे की लोई बना ली है। अब कुछ लोई को मैं इनको कवर करके रख दूंगी। उससे क्या होगा, जो इनके ऊपर पपड़ी नहीं बनेगी, ये ऐसे ही रहेंगे मुलायम मुलायम। अब हम इस लोई को बेल लेंगे। हमने लोई को बेलकर बना ली है सी। अब हम ऐसे ही सारी रबर शीट बना लेंगे। सारी रैपर शीट बनकर हमारी रेडी है। अब हम एक रैपर शीट निकाल लेंगे और बाकी को साइड रख देंगे। अब हम इसको एक प्याली की सहायता से, आप चाहे तो कोई प्याली ले सकते हैं या फिर अपनी अकॉर्डिंग कोई से भी शेप देने के लिए आप वो कटोरी ले सकते हैं। तब मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है और इसकी सहायता से मैं इसको छोटी छोटी पूरी सी बनाकर रेडी कर लूँगी। अब हम एक पूरी को उठा लेंगे, उसमें हम स्टफिंग करेंगे। अब मैंने जो आलू की पेस्ट बनाया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा साइड से फोल्ड करते जाएंगे। ये मैं ऐसे इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, इससे क्या होगा इसका मोमो का डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बना है। ऐसे ही हम सारे मोमो टाइप के पकौड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। अब मैं दूसरा बना रही हूँ।
आप इसको एक बार बना लेंगे तो फिर जल्दी जल्दी बन जाएंगे, आप पहली बार बनाएंगे तो वो थोड़ा बेकार हो सकता है। देखिए हमारा मोमो डिज़ाइन बनकर एकदम रेडी है। अब मैंने सारे मोमो डिज़ाइन बना लिए हैं, अब करते हैं हम इनको फ्राई। ये मैंने एक कढ़ाई में अच्छे से ऑयल को हीट कर लिया था। मैंने ऑयल को पहले हाई फ्लेम पर हीट किया और फिर मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर दिया था। इससे क्या होगा, थोड़ा तेल ठंडा हो जाएगा, इससे हमारे मोमो अंदर तक जलेंगे नहीं और अच्छे से सिक जाएंगे। अब हम जितने भी हमने मोमो डिज़ाइन पकौड़े बना के रखे हुए हैं उसको एक एक करके ऐड करेंगे और गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाने का सोचेंगे। ये 5 मिनट में झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। मैंने फर्स्ट बैच अपना फ्राई होने के लिए ऐड कर दिया है और गैस का फ्लेम भी लो है। इससे क्या होगा, ये अंदर तक सिकेंगे, कच्चे नहीं रहेंगे और बहुत अच्छे से सिकेंगे। आप इनको ज़्यादा नहीं चलाएं, उससे क्या होगा ये टूट जाएंगे, इसलिए हम इसको हल्के से चला चला कर ऐसे ही ब्राउन होने तक सेक लेंगे। हमारे जो पकोड़े हैं अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और ऐसे ही दूसरा बैच भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारे पकोड़े बनकर रेडी हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करें, आई होप ये आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ जो एकदम ईजी और एकदम सिंपल होगी। तब तक के लिए बाय।